हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं एक टेबल हमने बनाई है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। ये देखिए डिजाइन व्यू पे लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर आईडी है जिसे हमने प्राइमरी की बनाया है और यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट है, फिर प्राइस है, प्राइस को रख दिया है, करेंसी डेटा टाइप, आप डेटा टाइप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप आएंगे तो इसे हमने यूनिट को रखा है नंबर डेटा टाइप, फिर यहाँ कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से ये यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये जो कैलकुलेटेड डेटा टाइप है इसमें हमने कैलकुलेट करने का काम किया है, इसको मैं दिखा भी देता हूं, देख लीजिए कुछ इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। इसको थोड़ा मैं साइज बढ़ा देता हूं, फॉन्ट की साइज, ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़े कि यहां पर हुआ क्या है। तो ये देख सकते हैं प्राइस को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है यूनिट से और आपका काम इस तरीके से हो गया है और यहां पर सारा रिजल्ट कुछ इस तरीके का आ गया है। देख सकते हैं डेटा हमने फिल कर लिया है। अब हमें बनाना है फॉर्म, तो एक बेसिक सा फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ क्रिएट पे चलते हैं और ब्लैंक फॉर्म पे आप जा सकते हैं, ठीक है। आप ब्लैंक फॉर्म पे भी जा सकते हैं और फॉर्म डिजाइन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं फिलहाल ब्लैंक फॉर्म पे चलता हूं क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 वर्जन। तो यहां पे जाकर के फिर क्रिएट पे चल, ये जो टेबल दिख रहा है फील्ड लिस्ट में, यहां पर आ जाएंगे और यहां नेम ऑफ प्रोडक्ट लेके आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहां नेम ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर यहां प्राइस की बात करेंगे और फिर यहां यूनिट आएगा और फिर टोटल आ जाएगा। अब हम चाहते हैं इसको डिजाइन व्यू पे ले लेना, तो ये डिजाइन व्यू पे ले लिया हमने। ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, आप देख सकते हैं इसको, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से नजर आ रहा है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहां से और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ये नीचे कर लेने के बाद अब हम ये चाहते हैं इसकी साइज को छोटा कर दिया जाए, काफी बड़ा है, कितने बड़े साइज की हमें जरूरत भी नहीं है, तो ये हमने कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो टोटल आया हुआ है ये कन्वर्ट हो जाए शब्द में, यानी कि जो टोटल अमाउंट है ये रुपीज में आ रहा है। आप देख भी सकते हैं यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये टोटल अमाउंट रुपीज में हमें दिखा रहा है, ये अंकों में है, शब्दों में नहीं है। हम चाहते हैं ये शब्दों में भी आए, हम थोड़ा सा इसमें सेटिंग कर लेते हैं। ये जो प्राइस है ना इसको उठा करके इधर लेके आ, टोटल, ठीक है, टोटल भी आ गया, सारा कुछ आ गया, अभी कुछ नहीं बचा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम इसको शब्दों में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, पहले तो हम इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव कर लिया हमने इस फॉर्म को, अब ये फॉर्म हमें ऐसा नजर आएगा, ये देख सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे नीचे इसी चीज को या साइड में इसी चीज को शब्दों में लिखा हुआ दिखाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ डिजाइन व्यू पे जाएंगे और थोड़ा सा इसको शिफ्ट करेंगे और ये जो है ना इसको थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे और यहां से एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और इसको इस तरीके से ड्रैग करवा देंगे, ये हो गया। तो ये अब जो आएगा वो शब्दों में आएगा, ठीक है, ये जो आएगा किस में आएगा, शब्दों में आएगा। तो यहां पर शब्दों में लिखा हुआ आएगा। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, कैसे हम शब्दों में लेके आएंगे, तो यहां पे आपको देना है फॉर्मूला कन्वर्ट, ये कन्वर्ट लिखा हमने सी टू इंग्लिश, यही लिखना है हमें, कन्वर्ट करेंसी टू इंग्लिश, बिना गैप के लिख दीजिएगा इस तरीके से। और एक आपको मैं लिंक बता रहा हूं, वहां पे आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। देखिए या मैं, ये विंडो खुली हुई है ऑलरेडी, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। यहां पर आइएगा गूगल पे और आपको सर्च करना है कन्वर्ट करेंसी इन नंबर टू वर्ड इन एमएस एक्सेस, ये सर्च कीजिएगा और यहां पर ये जो लिंक मिलेगा पहला आपको live2.learn, यहां पर जाकर के इस पर क्लिक कर दीजिएगा और नीचे आपको यही कोड मिल जाएगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा यहां से जाकर के और इसको उठाइएगा यहां से, ये देखिए ये इस तरीके से नीचे जाइएगा और पूरा ये कॉपी कर लीजिएगा, जितना कोड है एक भी छोड़िएगा मत, पूरा कॉपी करना है आपको, ठीक है, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, पूरा यहां तक एंड फंक्शन तक आपको आना है, इसी को कॉपी कर लेना है और कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे आ जाना है। ये आ गए, अब हमें कहां चलना है, अब हम चलते हैं डेटाबेस टूल्स पर, यहां विजुअल बेसिक नजर आएगा, क्लिक कर दीजिएगा, इंसर्ट पे आ जाइएगा, मॉड्यूल इंसर्ट करा लीजिएगा और यहां पर इसी कोड को पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट करके सेव भी कर लेना है आपको, तो ये सेव का बटन दिया हुआ है, सेव पे क्लिक कर दीजिए और यहां पे यस कर दीजिएगा, ठीक है, यहां पे यस कर दीजिएगा तो ये सेव भी हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सेव भी हो जाएगा। एक्सप्रेशन यू एंटर्ड इनवैलिड सिंटैक्स, एक बार चेक करते हैं यहां पर, यहां पे आते हैं, यहां पर अभी हम पूरा करेंगे इस चीज को। तो कन्वर्ट अब ये हो गया, अब यहां पर ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कीजिए। अब क्योंकि यहां पर हमने दिया है टोटल,
तो आपको भी यहां पर लिख देना है टोटल, जो भी लिखे रहेंगे वही लिखिएगा यहां पर, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, स्मॉल ब्रैकेट, पहले स्क्वायर ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये हो गया है, अब यहां से हमें क्या करना है, होम टैब पे जाना है और यहां से व्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहां पे देखिए ये सेम चीज जो है वर्ड में कन्वर्ट हो गया है, रुपीज 5002। अब ये 2 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि ये कॉलम छोटा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, मैंने कहा था इसको साइज को थोड़ा बढ़ाना रहेगा हमें। इसको यहां से कट कर देते हैं और फिर पेस्ट करके इसको नीचे ही की तरफ लेते आएंगे यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका शब्दों में, उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी कि शब्दों में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज में। तो इसके लिए तो कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, यहां से आप चला जाएगा प्रॉपर्टी शीट पर और यहां कैप्शन में दिया हुआ है टेक्स्ट 30, तो बस यहां लिख दीजिएगा इन रुपीज, इन वर्ड्स, इन वर्ड्स कर देते हैं, इन वर्ड्स, ये लिख दिया इन वर्ड्स, तो बस ये इन वर्ड्स हो जाएगा और बाकी ये तो आपको दिख ही रहा है किस तरीके से ये हो गया है, ठीक है। अब यहां से व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरीके से ये दिखाई पड़ेगा, अभी भी अगर छोटा है तो आप यहां से जाकर के फिर दोबारा से बड़ा कर सकते हैं, हो गया है। अब यहां से इस पर क्लिक कर देते हैं, अब देखिए ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। तो यानी कि आपने ये सीखा कि कैसे इसको कन्वर्ट करें। अब देखिए सेकंड वाले पे चलते हैं, सेकंड वाले में अलग जो प्राइस दी गई है वही प्राइस यहां पे आई है, जैसे 26,400, तो रुपीज 26,400 लिखा हुआ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। फिर यहां पर आते हैं थर्ड वाले पे, तो ये देखिए थर्ड वाले पे आए तो यहां 21,000 है, तो रुपीज 2100 है, तो 2100 ओनली आ रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखिए रुपीज 20,000 दिया हुआ है, तो 20,000 दिया हुआ है, तो यहां पे केवल 20,000 ही आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। यहां से डिजाइन व्यू पे लेके चाहे तो आप प्रॉपर्टी शीट में जाके पॉपअप को सेट कर सकते हैं, तो यहां से फॉर्म चूज कर लीजिएगा और पॉपअप को सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और यहां से पॉपअप को यस कर दीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से यहां से जाकर के, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा लिखा हुआ, ठीक है। और भी चाहे तो इसमें सेटिंग की जा सकती है, जैसे इसको सेव करता हूं, यहां पे सेटिंग कैसे करनी है बता देता हूं। देखिए यहां पे जाएंगे तो ये यूनिट जो है इसके नीचे ही रहेगा, टोटल को हम सेट कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं थोड़ा सा, और इसको इधर लेके आएंगे ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कलर वगैरह बदल सकते हैं, तो यहाँ पे जाकर के इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो कलर लगा लीजिए, और यहाँ पर पूरे डेटा को सेलेक्ट करके और यहाँ पर इसको कर लीजिए ब्लैक, ब्लैक करके और यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, बस हो गया काम। अब आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो जो भी सेटिंग करनी है, बेसिक सेटिंग्स आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।